एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर 2024 25 का जारी हो चुका है एसएससी की सभी भर्तियां जो वर्ष 2024 25 में होंगे उनका एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया जाएगा कब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और कब एग्जाम होगा इसके लिए स्टाफ इस सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर 2024 25 जारी कर दिया गया है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आने वाली सरकारी भर्तियां जो एसएससी के द्वारा जारी की जाती है ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे और कब एग्जाम होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024-25 का जारी हो चुका है 2024-25 की सबसे पहले एसएससी की द्वारा भर्ती जारी की जाएगी ग्रेड सी की स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दो हजार की फर्स्ट पेपर होगा एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा पांच जनवरी दो को ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे आप पच्चीस जनवरी दो तक ग्रेड स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023 हजार के एग्जाम होंगे अप्रैल और मई 2024 में इसी के साथ दो नंबर है जे एस ए या फिर एल डी सी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दो हजार तेईस और इसका पेपर फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा बारह जनवरी दो हजार चौबीस को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म हम एक फरवरी दो हजार चौबीस तक भर सकेंगे मंथ ऑफ एग्जाम की बात करें तो अप्रैल और मई दो हजार चौबीस में एग्जाम होगा जे एस ए या फिर एल डी सी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दो हजार तेईस और इसका इसी के साथ एस एस सी के द्वारा वर्ष दो हजार चौबीस पच्चीस में तीन नंबर भर्ती की जाएगी एस एस ए या फिर यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दो हजार तेईस चौबीस की फर्स्ट पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा उन्नीस जनवरी दो हजार चौबीस को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा यानी कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उन्नीस जनवरी दो हजार चौबीस को ऑनलाइन फॉर्म हम भर सकेंगे आठ फरवरी दो हजार चौबीस तक और इसका एग्जाम होगा अप्रैल और मई दो हजार चौबीस में यानि एस

पोस्ट एग्जामिनेशन फेज ट्वेल्व दो हजार चौबीस के एग्जाम होंगे अप्रैल और मई दो हजार चौबीस में एस एस सी एग्जामिनेशन कैलेंडर दो हजार चौबीस पच्चीस के अनुसार पांच नंबर भर्ती होगी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन दो हजार चौबीस इसका टीयर फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा पंद्रह फरवरी दो हजार चौबीस को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा यानी पंद्रह फरवरी दो हजार चौबीस को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और चौदह मार्च दो हजार चौबीस तक हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 का टीयर फर्स्ट होगा वो मई और जून 2024 में होगा इसी के साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन कैलेंडर 2024 25 के अनुसार छह नंबर भर्ती होगी जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वाइंग एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एग्जामिनेशन 2024 पेपर फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा 29 फरवरी 2024 को और ऑनलाइन फॉर्म हम भर सकेंगे 29 मार्च 2024 तक और जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2024 का एग्जाम होगा मई और जून 2024 में एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर 2024-25 के अनुसार सात नंबर भर्ती की जाएगी कॉम्बिनेट हायर सेकेंडरी यानी कि टेन प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन होगा टीयर फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 2 अप्रैल 2024 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा और हम ऑनलाइन फॉर्म एक मई दो तक भर सकेंगे कॉम्बिनेट हायर सेकेंडरी टेन लेवल एग्जामिनेशन का एग्जाम होगा जून

सात मई दो हजार चौबीस को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा और 6 जून दो हजार चौबीस तक हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे और इसका मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सी बी आई सी एंड सी बी एन एग्जामिनेशन दो हजार चौबीस का एग्जाम होगा जुलाई और अगस्त दो हजार चौबीस में इसी के साथ एसएससी की नौ नंबर भर्ती होगी एग्जामिनेशन कैलेंडर 2024 25 के अनुसार कॉम्बिनेट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 टीयर फर्स्ट होगा 11 जून 2024 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा दस जुलाई दो हजार चौबीस तक हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे वो ग्यारह जून दो हजार चौबीस से लेकर दस जुलाई दो हजार चौबीस तक भरे जाएंगे कॉम्बिनेट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन दो हजार चौबीस का एग्जाम होगा सितंबर और अक्टूबर दो हजार चौबीस में और एस एस सी एग्जाम कैलेंडर दो हजार चौबीस पच्चीस के अनुसार दस नंबर भरती है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन दो हजार चौबीस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सोलह जुलाई दो हजार चौबीस को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा सोलह जुलाई से लेकर चौदह अगस्त दो हजार चौबीस तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन दो हजार चौबीस का एग्जाम होगा वो अक्टूबर और नवम्बर दो हजार चौबीस में होगा इसी के साथ एस एस कैलेंडर दो हजार चौबीस पच्चीस के अनुसार जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन दो हजार चौबीस का फर्स्ट पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा तेईस जुलाई दो हजार चौबीस को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा इक्कीस अगस्त दो हजार चौबीस तक हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे और अक्टूबर और नवम्बर दो हजार चौबीस में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम दो हजार चौबीस का होगा इसी के साथ एस एस सी एग्जामिनेशन कैलेंडर दो 2024-25 के अनुसार 12 नंबर भर्ती की जाएगी कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफएस एंड एनआईए एसएसएफ एंड राइफल राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2025 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 27 अगस्त 2024 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा 27 अगस्त 2024 से लेकर 27 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे कांस्टेबल जीडी का एग्जाम होगा दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक ये हाल ही में जारी किया हुआ दो ग्यारह दो का एसएससी का एग्जामिनेशन कैलेंडर 2024-25 है यहाँ पर जो सीबीई लिखा गया ये है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन साथ ही ये ऑनलाइन फॉर्म भरना महिलाओं एस सी के लिए बिल्कुल फ्री में है यानी कि इन सभी भर्तियों में अगर एस सी महिला या फिर जो दिव्यांग है उनके लिए ये ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जाएंगे बाकी सभी श्रेणियों के लिए इनमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सौ रूपए का पेमेंट करना होगा ये एक टेंटेटिव कैलेंडर है एग्जामिनेशन दो हजार चौबीस पच्चीस का एस एस सी का यानी जो तारीखें दी गई है ये संभावित है इसमें बदलाव किए जा सकते हैं साथ ही इन सभी भर्तियों में दसवीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि एस एस सी एग्जामिनेशन कैलेंडर दो हजार चौबीस पच्चीस के अनुसार कौन सी भर्ती कब की जाएगी कब एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा कब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी और कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो जय हिंद धन्यवाद राम